52 दवाओं के सैंपल्स कैसे फेल हो गए हैं। देश में निर्मित 52 दवाओं के सैंपल्स जांच पे फेल पाए गए और इन दवाओं में सर्वाधिक हिमाचल प्रदेश में बनी 22 दवाएं शामिल हैं। मई में केंद्रीय औषधि नियंत्रण संगठन ने देश भर से दवाओं के सैंपल्स को एकत्रित किया था। इसमें 52 दवाओं के सैंपल्स फेल पाए गए। हिमाचल के सोलन में 16 दवाओं के सैंपल्स फेल हुए तो वहीं सिरमौर में 5 दवाओं के सैंपल्स फेल साबित हो गए। अब कंपनीज को नोटिस जारी किया जाएगा, साथ ही मार्केट से स्टॉक को वापस लिया जाएगा। इन दवाओं में कैंसर की दवाइयां हैं, तमाम पेन किलर्स हैं, अल्सर की दवाई है, खांसी जुकाम की दवाई है, एलर्जी की दवाइयां हैं, वायरस संक्रमण, एसिडिटी जैसी दवाओं के सैंपल्स सही नहीं पाए गए हैं। तो ऐसी 52 दवाओं के सैंपल्स फेल साबित हुए हैं। खांसी की, कैंसर की, दर्द की, अल्सर, एलर्जी, वायरस संक्रमण, एसिडिटी जैसी तमाम दवाओं के सैंपल्स सही नहीं पाए गए हैं। तो 52 दवाओं के सैंपल्स फेल साबित हो गए हैं। और मई की बात करें, मई में CDSCO ने देश भर में इन सैंपल्स को एकत्रित किया था, कलेक्ट किया था और देश भर में 52 मेडिसिन सैंपल्स जांच में फेल साबित हो चुके हैं। 22 दवाओं का सैंपल हिमाचल की, जो 22 दवाएं हैं उनका सैंपल फेल हो चुका है। तो यहां पर आपको बता दें, कंपनीज को जारी किए जाएंगे तमाम तरह के नोटिसेस, बाजार से स्टॉक को वापस लिया जाएगा। ये पूरा जो एक्शन प्लान है वो आपको बता रहे हैं। सोलन में 16 दवाओं के कई सारे सैंपल्स फेल साबित हुए, सिरमौर में 5 दवाओं के सैंपल्स फेल साबित हुए हैं, जिसमें कैंसर की दवाइयां हैं, दर्द की दवाइयां हैं, पेन किलर्स के साथ साथ एलर्जिक मेडिसिन हैं, खांसी की दवाइयां शामिल हैं और इन दवाओं के सैंपल्स फेल हो चुके हैं। हम आपको बाजार से स्टॉक को वापस लिया जाएगा ये भी जानकारी दे रहे हैं। तो ऐसे 52 दवाइयां हैं जिनके सैंपल्स को फेल होने के बाद विथड्रॉ किया जाएगा। Zee News.